हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। और हमें इस फार्मूले को प्रूफ करना है। इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि हमारे पास जो है वो कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, तो हम चाहें तो कॉट अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि और ये चाहें तो हम इसको लिख लें कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा और फिर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी कि हमने क्या किया कि पहले तो कॉट को कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर दिया और कॉस अल्फा, उसके बाद जो है हमने कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया और उसके बाद साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसके बाद हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे साइन अल्फा साइन बीटा से। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे पहले हम लिख लेते हैं डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन अल्फा साइन बीटा। तो अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा। तो हमने क्या किया कि न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया साइन अल्फा साइन बीटा से और डिनोमिनेटर को भी साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद जो है देखें हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर में ये ब्रेक हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा और फिर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा। फिर डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा और फिर प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा और अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा। तो देखें यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा के नीचे साइन अल्फा साइन बीटा आ गया यहाँ पे हम देख सकते हैं, फिर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के नीचे साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में साइन अल्फा कॉस बीटा के नीचे हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा और फिर प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फ्रैक्शन जो थी हमारे पास इसको हमने टर्म्स के अंदर ब्रेक कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि पहले तो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं हम उन्हें कैंसिल कर देंगे, जैसे साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा कॉस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, इसको अलग लिख लेंगे, और कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा और फिर माइनस वन और फिर अपॉन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा और फिर प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो हमारे पास जो है वो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब कॉस अपॉन साइन जो है वो कॉट के इक्वल होता है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे
कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा के जगह पे हम लिख लेंगे कॉट एल्फा, और कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा के जगह पे लिख लेंगे हम कॉट बीटा, फिर माइनस वन, और फिर अपॉन, फिर कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा की जगह पे आ जाएगा आपका कॉट बीटा, और कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा की जगह पे आपके पास आ जाएगा कॉट एल्फा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया।